नोटिफिकेशन आपको सुबह मिलती रहेगी अगर आप हमारे चैनल पर जाने कमेंट बॉक्स में पाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में दो यार इसे हमारे लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। तो हम चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये वाला क्वेश्चन कुछ ऑप्शन गलत है तो हम वही करने वाले हैं। इसमें बोल रहा है कि मास से 100 kg कुछ एक्सेलरेट हो रहा है वेलोसिटी इतने से इतनी तक, उसमें कुछ इतना सेकंड लग रहा है टाइम, तो बताओ उसका इनिशियल फाइनल मोमेंटम क्या है और उसमें ये बताओ कि उसका फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। तो इतना 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 है तो बताओ आप कितना है। तो उसका सही आंसर है वैसे ये देखो कैसे आएगा। देखो हाँ ये सारा ना फोर्स है, ठीक है ये फोर्स है पूरे। देखो कैसे आएगा, पहले मोमेंटम निकालते हैं। देखो देखो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल 5 है और मास मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी 8, इसको मल्टीप्लाई करो 500 और 800 ये आ गया। तो ये आ गया। तो अब हम फोर्स निकाल सकते हैं। देखो अब इसको हटाओ, देखो हमारा ये आ गया। तो अब इससे हम फोर्स निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे, देखो अब हम फोर्स निकालते हैं। देखो फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, पहले एक्सेलरेशन मास हमें गिवन है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v माइनस यू, वी कितना है 8 - 5/6, 8 - 5 ये माइनस करो तो कितना आएगा 3/6, तो ये आएगा 1/2, ये हमारा एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। ये तो मास से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 × 100, तो इसको काटोगे तो ये कुछ आएगा 500, तो आ गया ये बिल्कुल सही आंसर। 50 न्यूटन आ गया 50 न्यूटन। इसमें क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय इन एन ऑब्जेक्ट बाय एक्टिंग फोर्स ऑफ ए गिवन मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन, मैं बोल रहा है एक बॉडी है उसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कुछ फोर्स लग रहा है, तो बताओ जो एक्सेलरेशन है वो किस पर डिपेंड है, साइज पर, मास पर, शेप पर या ऑल ऑफ दी। तो इसका सही आंसर है मास पर। देखो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं एफ फिजिकल टू एम इन टू ए, हमें देखो ये पता है, अभी हमें पता है तो एफ इन टू ए एफ बाय ए इजिकल टू एम, तो एक्सेलरेशन इस पर डिपेंड है मास पे, ठीक है। अगर मास बढ़ेगा देखो, हाँ देखो एफ, देखो अभी मैं मिटा के बताता हूँ कैसे। ये देखो ऐसे हमें इसमें क्या क्या बोला, हमें बताया है कि एक्सेलरेशन लग रहा है उसमें कुछ फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो हमें एक्सेलरेशन फोर्स है, फोर्स में एम इन टू ए, तो हमें अभी क्या किया मैंने ये पता है, अभी हमें ये पता है एफ इजिकल टू ए बाई इजिकल एम, तो हम यहाँ से कुछ यहाँ पे हमने लगा दिया वन, तो हम वन को हटाएंगे तो ये आ जाएगा, वन को हम मानते के, ठीक है तो ये आ जाएगा। तो अगर ए बढ़ेगा तो एम घटेगा, अगर एम घटेगा एम बढ़ेगा तो ए घटेगा, ठीक है ये होगा। तो ये मास पर डिपेंड हो गया। देखो इसमें क्या है, When would the weight of body not be zero? कहाँ पे बॉडी का वेट जीरो नहीं होएगा? During free fall, जब बॉडी गिरेगी ऊपर से नीचे या फ्रिक्शनलेस सरफेस में या प्लैनेटरी मतलब जहाँ पे प्लैनेट मतलब स्पेस में, स्पेस है अर्थ से बाहर या सेंटर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, तो इसका सही आंसर फ्रिक्शनलेस सरफेस में कभी जीरो नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी जीरो हो सकता है, जब ये आएगा तो तब ये तब वो जीरो की वेलोसिटी आएगा नीचे जब ऊपर से आएगा, ठीक है। और स्पेस में तो जीरो होता ही है। ए बॉल इज मूविंग इन ए सर्कल एट ए फिक्स्ड स्पीड, व्हाई
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ट्रू। एक बॉल है वो सर्कुलर मोशन में कर रही है बिल्कुल फिक्स स्पीड में, एक ही स्पीड में। उसका इनर्शिया कॉज ऑब्जेक्ट, इनर्शिया कॉजेज ऑब्जेक्ट टू मूव इन ए सर्कल। उसका इनर्शिया कॉज करवा रहा है। देयर कैन बी फोर्स पुशिंग आउटवर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट एज लॉन्ग एज नेट फोर्स इनवर्ड। बिकॉज ऑफ द स्पीड इज कॉन्स्टेंट द एक्सेलरेशन इज जीरो। या एक्सेलरेशन प्रेजेंट एंड एट टेंजेंट ऑफ द सर्कल। देखो तो यहाँ से बिल्कुल सही है। इसमें इनर्शिया कॉज नहीं कर रहा है जो सर्कल को मूव करने के लिए, सर्कल में मूव करने के लिए बॉल को। बिकॉज ऑफ द स्पीड इज कॉन्स्टेंट, स्पीड कॉन्स्टेंट है ठीक है। इसमें बोला स्पीड कॉन्स्टेंट है जो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये हमें पता नहीं है ठीक है, ये हमें पता नहीं है तो ये भी गलत हो गया। देयर कैन बी फोर्स पुशिंग आउटवर्ड, उसमें फोर्स आउटवर्ड पुश कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। लेकिन जो हमारा नेट फोर्स है वो अंदर को पुश कर रहा है, उसको नेट फोर्स अंदर को पुश कर रहा है और हमारा जो फोर्स है वो आउटवर्ड पुश कर रहा है, तो इसलिए वो फिक्स स्पीड में घूम रहा है। और देखो एक्सेलरेशन प्रेजेंट एट टेंजेंट, टेंजेंट होता क्या है? देखो टेंजेंट ये हमारा सर्कल, देखिए सर्कल मिलो, हमारा सर्कल है, टेंजेंट होता है जो एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सर्कल से एक पॉइंट से निकलती है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो इसका सही आंसर बिल्कुल ये, देखो ये वाला आंसर बिल्कुल मस्त है। अगर हमारा अर्थ में हमारा कुछ वेट है, हमारा अर्थ में कुछ वेट है फाइव, वेट नहीं मतलब हमारा जो फोर्स लगा है वो इतना है, तो बताओ मून में कितना है, मून में कितना है न्यूटन है? 600, 900, 100 या 0। तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो भी बताते हैं। हाँ देखो फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ अर्थ। तो वैल्यू पुट करो 1/6 ऑफ 5400। अगर आप इसको काटोगे तो ये कुछ आएगा 900 ठीक है, 900। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे जल्द से जल्द लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आने वाली से वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय मिलती जाए अगर आप ये दबाओगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स कर जरूर यूज़ करें। तो गुड बाय।